चेहरे के रंगत देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी लग रही है और रेडियंट लग रही है ना। तो मैंने क्या लगाया है अपने फेस पे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लॉरियल का हाइलोरॉनिक एसिड जो कि एल्गी शीट मास्क के साथ में आई है रीवाइट लिफ्ट, इसे मैंने यूज़ किया है। काफ़ी बेस्ट है और अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये एल्गी मास्क शीट से बना है। यहाँ पे आपको एक सीरम देखने के लिए मिल जाएगा अलग से, और ये शीट मास्क होता है। इसे किस तरह से हमें अपने फेस पे लगाना होता है तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अमेजिंग सा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये है लॉरियल पेरिस की रीवाइट लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की पैकेट में आती है, और एक साइड में आपको सीरम मिल जाता है हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे एल्गी मास्क दिया गया है। ये मास्क टोटली डिफरेंट है अदर मास्क से। डिफरेंट क्यों है फ्रेंड्स, जब आप इसे यूज़ करते हैं ना तो ये जो सीरम है इस मास्क के अंदर पूरा टोटली ऑब्जॉर्व हो जाता है, और ये एक भी बूंद बाहर नहीं टपकती है। ये आपके चेहरे पर आपके स्किन पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। यहाँ पे जो दो लाइनें दी गई हैं आप देख सकते हो, जस्ट उसे ही आपको फोल्ड करना होता है और इस सीरम को डायरेक्टली आप उस एल्गी मास्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा सीरम जो है इस मास्क में चला जाएगा, और आपकी स्किन को ये प्लम्पी बनाता है, फ्रेश बनाता है ये सीरम मास्क। और ये काम ही करता है फॉर प्लम्पी रेडियंट स्किन के लिए, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चर देता है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। और ये फर्स्ट टाइम है जो फ्रेंड्स आप इस तरह का कुछ मास्क देख रहे हो रिवाइटली फ्रेश। आप फ्रेशली इसे मिक्स करते हो उस कुछ सीरम को, और फ्रेशली आप इसे बना के अपने फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इस मास्क सीरम मास्क को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देगा, आपकी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपकी तुरंत सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा टिश्यू मास्क है जो कि आपके स्किन में जाके वो डीपली पेनिट्रेट होगा और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा आपको। और ये हाईली कॉन्सेंट्रेट है हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ, जो कि एल्गी फाइबर मास्क के साथ बनाया गया है, जो हम आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से इंटेंसली हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी, प्लम्पी बनाएगी और आपकी स्किन को बहुत ये जेली मास्क आप एक नोटिस करिएगा, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये बिल्कुल लगती नहीं है कि आपने कुछ अपने फेस पर अप्लाई किया है। और फ्रेंड्स अगर आपने इस मास्क को लगाया, जैसे हफ्ते में दो बार भी अगर आप लगाओगे ना, और इसे आपके फेस पे सिर्फ 15 मिनट्स रखना होता है, ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा इंटेंसली हाइड्रेट करेगा, प्लम्पी बनाएगा, फाइन लाइंस रिंकल्स जो होते हैं उसे भी प्लम्प्ड करेगा, आपकी स्किन को यंगर बनाएगा और प्लम्पी रेडियंट बनाएगा। दोस्तों अमेजिंग है, मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड है ना ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा एकदम सूथ प्रोवाइड करती है, स्मूथ करती है, और डीपली पेनिट्रेट होने की वजह से हमारी स्किन एकदम प्लम्पी स्मूथ और फाइन लाइन्स तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं इंस्टेंटली। तो आप देख सकते हैं ये शीट मास्क कुछ इस तरह का है, ईजिली आप अपने इसे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। और इसे ना मैं तो 15 क्या 30 मिनट्स के लिए मैं तो कुछ बुक रीडिंग कर रही थी मैंने छोड़ दिया था, और स्किन इतनी हाइड्रेट हो जाती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है सेम डे। मतलब आप 30 मिनट के बाद आप अपने फेस को देखोगे ना, इतना अच्छा प्लम्पी और रेडियंट लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड्स ये मेरी कोई स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप लोगों को खुद इसके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ये शीट मास्क बार बार यूज़ करूं। क्योंकि देखिए आप कोई भी मार्केट से ऐसे कोई भी क्रीम वगैरह लगाते हो तो उसका आपको रिजल्ट बहुत देर के बाद मिलता है, बट ये जो हाइलुरोनिक एसिड है लॉरियल की बहुत ही इंस्टेंट सा रिजल्ट आपको देती है, वो भी 30 मिनट में। जैसे अगर कोई शादी या पार्टी या फिर आपको कहीं बाहर जाना है ना, तो इस शीट मास्क को आप एक बार ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद जब आप मेकअप वगैरह करोगे ना, जैसे आपने मेरा स्किन स्टार्टिंग में देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। जैसे आपने ये मास्क लगा लिया 30 मिनट के लिए, आपको कोई फेशियल वगैरह करने का टाइम नहीं मिला ना सेम डे, जैसे बस इसे लगा लीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी मेकअप वगैरह फाउंडेशन वगैरह लगाओगे
अमेजिंग सा रिजल्ट आता है। आप चाहे तो इस मास्क को लगा के सो भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जितने भी सीरम थे ना, मुझे पूरे अच्छी तरह से अपने आंखों के आसपास, अपने पूरे फेस पे, अपने पूरे नेक पे इसे अप्लाई किया। तो आप देखिए, मेकअप जब करोगे तो और ज़्यादा आपका स्किन जो है ना ब्राइट लगेगा, यंगर लगेगा, और जो आपके फाइन लाइन्स, जो रिंकल्स आपके अगर फेस पे दिख रहा है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से यू नो हाइड हो जाएगा। ये मैंने नोटिस किया है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।